डियर स्टूडेंट, आज हम एसिड रेडिकल नाइट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। एफएससी के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में अगर नाइट्रेट वाला साल्ट आ जाए तो नाइट्रेट की एनालिसिस स्कीम कैसे लिखते हैं एग्जाम में, तो आज हम डिस्कस करते हैं एसिड रेडिकल नाइट्रेट। तो इसके लिए तीन कॉलम बना लेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। ये तो इसका पहला स्टेप जो है, साल्ट साल्ट प्लस डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। एसटू में साल्ट लेंगे थोड़ी सी मिलता, फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। नो पिगमेंट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट। जब डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट होगा फिर हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में आएंगे। दूसरा स्टेप ये होगा, साल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। बिल्कुल उसी तरीके से आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो रेडिश ब्राउन गैस विथ पंजेंट सम्बल इस बार कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप इस पर जाए। अब ये जो रेडिश ब्राउन गैस होगी इसकी पंजर स्मेल होगी, इसको अगर आप फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से पास करेंगे, अब आप गैस तीसरा स्टेप पास का अबव गैस थ्रू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो फिर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा सॉल्यूशन टर्म्स ब्लैक, यहां लिखेंगे नाइट्रेट इज इंडिकेटेड, नाइट्रेट इज इंडिकेटेड। अब इस नाइट्रेट के कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे, दो कंफर्मेटरी टेस्ट इनके लिखने होते हैं, चाहे वो एसिड रेडिकल हो चाहे बेसिक रेडिकल हो। कंफर्मेटरी टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ब्लैक रिंग बनेगा, ब्लैक रिंग FeSO4 NO फेरस सल्फेट नाइट्रोसाइड या नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, इसका ब्लैक रिंग बनेगा। तो नाइट्रेट इज कंफर्म। इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन, फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और कर
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक ब्लैक रिंग बनेगा, इट मींस ये नाइट्रेट इज कंफर्म, ये है इसका रिंग टेस्ट। इस टेस्ट को कहते हैं रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट है नाइट्रेट रेडिकल की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता है। अब इसका दूसरा जो है साल्ट प्लस MnO2, ये भी सॉलिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे तो नाइट्रेट इज कंफर्म। इस तरह जो है नाइट्रेट